जी अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए और इस जुमा पाक के सदक़े में हमें नेकी करने की ताकत अता फरमाए और रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे के सदक़े में हमारे सगीरा कबीरा अल्लाह पाक गुनाह माफ़ फरमाए और हमें ऐसे हज़ारों जुमे नसीब फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, तमाम दोस्तों की फरमाइश पे दोस्तों की कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि जो कबूतर आपका ओवर टाइम हो गया है दो दफ़ा, उसका हमें शो करवाएं। तो मैंने कहा चलें दोस्तों को उस कबूतर का शो करवाते हैं। दोस्तों, ये है कबूतर पोस्टर वाला डब वाला 34 नंबर, ये इसका तीसरा साल है इसको परफॉर्म करते हुए। जब हम 2020 जेठ चैम्पियन हुए थे, ये कबूतर हमारा उस बैच में था, ये कबूतर हमारा उस बैच में शामिल था। आइए आपको इसकी आई क्लोजअप का शो करवाते हैं। ये देखें, ये इसकी आई क्लोजअप है कबूतर की। और ये इस कबूतर का कुंडा है, ये देखें, ये बगल और ये कुंडा और ये तीन पार। और ये इस कबूतर की दुम है। छोटी दुम और लंबी परी हमेशा की तरह, ये देखें, छोटी दुम और ये लंबी परी, यहाँ तक परी है और ये कबूतर की दुम है। ये कबूतर का पंजा है। आपको अभी इस कबूतर का छोड़ के भी जो है शो करवाते हैं इस तरफ। ये देखें जी, ये है जी कबूतर, आपको छोड़ के भी जो है ना वो शो करवा रहे हैं इस कबूतर का। ये देखें, ये है जी 34 नंबर कबूतर जो 3 साल से परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह ताला बड़ा फिट है। इसकी फिटनेस बता रही है कि इंशाल्लाह ताला कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हार जीत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। शो करें, इज्जत के साथ करें, अपने प्लेयर्स की इज्जत करें। जो भी प्लेयर मैदान में खड़ा है, मैदान में खड़ा होना ही बहादुरी है। बाकी अच्छा शो करें, इज्जत के साथ शो करें, इसी में शो की इज्जत है, शो की बकाया। अल्लाह पाक हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जाते जाते फिर वही पैगाम, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत, और इस चीज़ को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह पाक हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम असातिज़ा इकराम अपने शागिर्दों को इन तीनों चीज़ों की तलकीन करें। शागिर्द साहिबान उस्ताद साहिबान की बात को फॉलो करते हैं और मैं समझता हूँ कि जो जिसको फॉलो करता है, कोशिश करें कि उसकी चीज़ों को भी अपनाया जाए, उसकी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको अपनाया जाए। नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत, यही कामयाबी की सीढ़ी है, दुनिया में भी आखिरत में भी। इससे आगे कुछ भी नहीं है, असल कामयाबी ये है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक हम सबका हमी नासिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।